यूपीए के समय में जब कोई हादसा हो जाता था, इस तरीके का दुर्घटना हो जाती थी, तो जवाब मांगते थे। और कई बार पहले कांग्रेस के शासन में इस्तीफे भी हुए। इनके यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसान के बेटे और बेटियाँ चिल्ला रहे हैं आज 6 महीने से कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, हमारे साथ किस तरीके का अत्याचार हुआ। और एक MP जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो पूरा का पूरा उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और अब तो सब लोग कहने लगे, बाबा रामदेव जो इनका स्पोक्स पर्सन बना हुआ था पिछले UPA के सरकार के समय, वो खुद कह रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी BJP के MP जो हैं वो अंदर से ये कह रहे हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, मोदी जी कर क्या रहे हैं। आप देखिए इनका इतिहास, आप देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगा और प्रमाणित हो गया, उसका बेटा जेल चला गया, कोई इस्तीफा नहीं। कानून मंत्री ने किस प्रकार से जुडिशियली की खिलियाँ उड़ाई, उसकी मर्यादाओं को भंग किया, हमारी जुडिशियली की, देश की जुडिशियली का उसको केवल विभाग बदल दिया, उसका कोई इस्तीफा नहीं। आज MP का किस प्रकार से जो है वो आचरण है, दुराचरण जो है वो सामने आ गया, उसके बावजूद उसका इस्तीफा नहीं। 14 मंत्री कोरोना के बाद में जो हटाए गए थे वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। एक भी BJP के नेता के ऊपर या BJP के मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर ED की रेड बता दो। इनके जितने केसेस दर्ज हैं ED में, इनकम टैक्स में, उनके ऊपर कोई उनकी कार्रवाई बता दो। ये जहाँ जहाँ सरकारें होती हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उन्हीं को डरा रहे हैं, आ जा रही है। अरे भाई, तो वो भी तो आदमी हैं, आएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ गड़बड़ लगेगी पकड़े। कौन मना कर रहा है किसी को? हम तो किसी को मना नहीं कर रहे हैं। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग इस कार्यकाल में मोदी जी 8-9 साल में कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा।